अच्छा तू ब्लॉग बना रहा है क्या? हैं बना लिया, कितने बन गए? मैं सोकर उठा और देखो क्या हो गया, नहीं समझ आई। अब जो लैपटॉप चलाते हैं उनको ये बात समझ आ जाएगी कि देखो ये विंडो का साइन यहाँ आ गया जो कि यहाँ होता है। मैं ये क्या हो गया यार, कोई वायरस वायरस तो नहीं आ गया, कहीं पेगासस तो नहीं घुसे है मेरे लैपटॉप में? फिर मैं सोचा यार कहाँ है यार, गरीब लोगों के पास पेगासस क्या करेगा, इतना महंगा सॉफ्टवेयर मेरे पे कोई यूज़ करेगा कोई? जब मैंने लैपटॉप के अबाउट सेक्शन में देखा तब समझ आया कि मुझे विंडो 11 दे दिया गया है। क्या बात है, वो भी फ्री में? ओहो मज़ा आ गया। विंडो 11 जो है ना मुझे एप्पल जैसी लगी, मतलब विंडो वाले एप्पल वालों की नकल करने लग गए। कल मैंने आपको बताया था ना कि पेरियार जी बाबा साहब से मिले थे 1940 में, लेकिन यहाँ पर जो है वो डेट अलग लिखा हुआ है। जनवरी का डेट है और लिखा है दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी के नेता पेरियार राधास्वामी नायकर ने मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर और बैरिस्टर जिन्ना से भेंट की। अपनी पार्टी स्वतंत्र तमिल देश के हिंदी भाषा के बारे में उन्होंने अपनी भूमिका इस मुलाकात में स्पष्ट की। राधास्वामी नायकर दक्षिण के ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। बाबा साहेब, पेरियार, जिन्ना, मुझे लगता है डेट में गड़बड़ियाँ हुई हैं। अब किससे हुई है ये मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन जिससे भी हुई है उसको ठीक कर लेना चाहिए। आपकी बेटी आपके लगते कदम पर चल रही है। क्यों नहीं आई दिन पे? सॉरी दोस्तों, आज मैं आपको मायसेल्फ सुनाने जा रही हूँ। पुलिस में यार। माय मदर नेम इज कॉर्नर, माय फादर नेम। क्यों आप ब्लॉगिंग कर रही थी? कल की वीडियो मिलते हैं। खत्म हो गई थी जल्दी। अभी कह रहे नई आफत पैदा हो गई, पहले मैं अपनी एडिटिंग करता था, अब इनकी भी करनी पड़ेगी। तो भी बना रही है क्या? तीन तीन एडिट करनी पड़ेगी। सब कचरा इकट्ठा कर दिया करेंगे, रद्दी माल फिर उसमें छांटा करना। अच्छा पहले मैं खुद की एडिटिंग करता था, अब इनकी भी एडिटिंग करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, मतलब ये मेरा 67वां ब्लॉग है यार, नॉन स्टॉप। क्या बात है, सच में एक बड़ी अचीवमेंट है यार मेरे लिए। कहाँ मैं महीने में सिर्फ 4 ब्लॉग बनाता था। इनको ऑफिस चल के बताता हूँ क्या इनमें। तब मैं ब्लॉग शूट कर रहा होता हूँ ना, मतलब डेली ब्लॉग अगर शूट करना है ना तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है मुझे। Where did my time go? What about my day? Why did I agree to all of this? And then the most fearful question, how will I be able to make my video? You see, my entire day is my vlog time. ये बात केसी ने 3 साल पहले बोली थी, जब मैं ये ब्लॉग देख रहा था तो मुझे लग रहा था यार केसी ओवर रिएक्ट कर रहा है। अच्छा तू ब्लॉग बना रहा है क्या? हैं बना लिया, कितने बन गए? अभी तो मैं एक है, अभी एडिटिंग के लिए कैनवा से डाउनलोड करा था, उससे कर पाऊंगा। आप बता दो आप किससे कर दे। ये मेरा सीक्रेट, मैं क्या बताऊं। आजकल मैं है ना कॉर्पस का अलार्म हूँ, वो 4:30 बजे उठकर घूमने जाती है और मैं 4:30 बजे सोता हूँ, तो उसको जगा देता हूँ, उठ जा कॉर्पस, सुबह हो गई। ये क्या हो रहा है? एसी नहीं लगा हुआ है क्या? वायर ठंड नहीं, गर्मी पड़ रही है। अरे पकड़वाओ तो सही। अच्छा क्या यार, एसी चालू कर लेते यार, वो रखा है ऊपर। सही कह रहे हैं, ऊपर का कौन सा लगाया था? अरे तो पहले सोचना पड़ता था, एसी अपने आप आ जाता है। सोचोगे तो एसी, सोचो सोचो। ये खाने का ही है, ये पुआ। पुआ आ गया हमारा, चलो पुआ बनाते हैं पहले। तो ये एक सैंपल मंगाया हमने एक्चुअली में, कि है ना जैसे हम ऑफिस में रहते हैं ना, तो कोई भी हो और वो अगर एक चाहे कि है ना कुछ खाने के लिए लगी है खाना दो। वो तो आए ना आरंती बहुत करते हैं यार, ज़्यादा सस्ते नहीं है। नो कुकिंग जस्ट एड वाटर, क्या बात है। कितना निकलता है इनमें, पेट भरेगा भी कि नहीं भरेगा इनसे? 40 ml पानी ले लिया है, पक्का 40 ml। पता नहीं है, हम कभी ml में नहीं बनाते। बात में कर रहा है, काम जो भैया कर रहे हैं। मुझे अंजू ने कुछ पता पड़ा है अपने गुपरी सूत्रों से, क्या बॉडी बॉडी बना रहे हैं कुछ? तो जब तक पोहा बन रहा है, जब तक हम और भी अपने कुरियर खोल लें। अरे यार ऑफिस का डेली रूटीन का काम और क्या। युगल भाई जलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कैमरा मंगवा लिया है हमने, ये है Xiaomi का CCTV कैमरा, और दूसरा ये है, ये अपनी किचन के लिए है, खोलना जरा। ये एक्चुअली छोटे छोटे डब्बे मंगाए हैं। तो लग रहा है कि पोहा जैसा तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया।
कैसे? अच्छे बढ़िया टेस्टी। और जो आपको टी शर्ट लेनी है ना वी आर इंडियंस, तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो तथा करोट लाइव। ये सीसीटीवी कैमरा और हमको है ना एक और चाहिए था एक्चुअली में, क्योंकि अभी तक है ना सिर्फ हमारे इधर एक लगा हुआ है और दूसरा हम इसके अंदर लगाना चाह रहे थे, ताकि बहुत सारी चीज़ों में ये मदद करेगा। अगर हम यहाँ नहीं होते तो स्टॉक रूम के में क्या क्या किताबें बची हैं वो हम देख नहीं पाते, तो ये जो है ना बहुत शानदार चीज़ है। सबसे पहले इसके अंदर निकला है चार्जर, और इसके अंदर एक केबल दी हुई है इन्हें अच्छी बड़ी सी, और एक ये स्क्रू लगा रखे हैं, अंदर किताबें हैं और कुछ नहीं है। और इसके अंदर जो है वो कैमरा है, ये तो फुटबॉल जैसा लग रहा है। अवार्ड 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 ये लो, ये इस साल का अवार्ड तुम्हें दिया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ना बन के आए किचन से। ये देखो, ये हमारा पुराना कैमरा था जो फिक्स है, और ये हमारा नया कैमरा है। इसके अंदर एक फीचर है जिसमें है ना हम इसकी मुंडी है ना कहीं भी घुमा सकते हैं। ये मुंडी घुमाया करेगा ये पूरी। अरे ये भाई साहब देखने में पता है यार छोटा बच्चा था। अभी क्या खबर दिया करेगा क्या चल रहा है ऑफिस में। क्यों आज आपने फिर से ब्लॉगिंग करी? हाँ अच्छा, क्या गप्पू क्या की ब्लॉगिंग क्या बोला दीदी ने ब्लॉगिंग करके क्यों है ना? मैंने बोला कि ये बच्चा आपको एबीसीडी सुनाएगा। सारे ब्लॉगर बन रहे हैं हमारे घर में। अभिषेक गौतम बोल रहे हैं वेद प्रकाश तुम्हारी तरह घर बैठ के वीडियो नहीं बनाता है, फील्ड में काम करता है समझे, क्योंकि घर बैठ के उसके वीडियो चलते नहीं है ना, क्या करे वो भी बेचारा, कंटेंट ही नहीं है उसके पास। दूसरे के मुंह में ऐसे माइक घुसा दो तो कंटेंट बाहर आ जाता है ना बहुत सारा, और व्यूज लाखों में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी कुटाई हुई ना बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैंने सुना है कि बाबा साहब जो थे ना वो फोटो में जितने काले दिखते हैं ना इतने थे नहीं। उनका एक मालिश करने वाला व्यक्ति था, जब उन पर पिक्चर बनाई जा रही थी तो उनके मालिश करने वाले व्यक्ति से संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया कि बाबा साहब का कलर कैसा था, गेहुआ था काला था, तो उसने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई कि बाबा साहब जब हंसते थे उनके गाल लाल हो जाते थे। मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफी जो है ना उस समय इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी, तभी ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ इसमें काले दिख रहे हैं। इन्होंने बाबा साहब का जीते जी एक पुतला बनाया था। एक इतनी खास बात है, हम दिल्ली जाते हैं हर बार भूल जाते हैं, अंबेडकर भवन जो बाबा साहब के नाम पर बना था और बाबा साहब ने ही उसका शिलान्यास किया था। बाबा साहब को जब भारत रत्न दिया गया था तब की तस्वीर है, उस समय बाबा साहब तो थे नहीं, तो उनकी वाइफ सविता अंबेडकर उन्होंने इस सम्मान को लिया था। सिमता प्रकाश जो है ना वो एशियन न्यूज इंटरनेशनल की ओनर हैं, और ये दीक्षा शिंदे के लिए बोल रही है कि द स्टोरी इज नॉट फेक, वी स्टैंड बाय इट। अगर इतने बड़े न्यूज एजेंसी की मालकिन ऐसा बोल रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी, अगर नहीं भी है तो इसका जो भी अपडेट आएगा मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।